राजधानी देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चुनावी तैयारियों को भी साझा किया, साथ ही विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देते नजर आए हैं। सुनिए। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने के साथ ही चुनावी आगाज कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री हमारे साथ है। सर, जलाभिषेक क्या है, किस तरह से अब चुनाव में उतरने जा रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू हो गया है, हम तैयार हैं और चुनाव आयोग ने भी अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने चूंकि पहले ही जो है महामारी का भी समय है, हमने उससे पहले ही 15 तारीख तक, चूंकि जब तक आयोग के निर्देश नहीं आए थे, आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, हमने 16 तारीख तक सारे ही जो है जितने भी आयोजन थे महामारी को देखते हुए बंद किए हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा पहले है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, इसको भी संपन्न होना है। जैसा भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे और पार्टी स्तर पर हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हम तैयार थे, तैयार हैं, और जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में देश के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, जो 1,00,000 करोड़ की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है, लोगों ने 2014 से पहले का समय भी देखा था और अब का समय भी देखा है, जहाँ पर इतनी सारी स्वीकृतियाँ हुई हैं हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे आज रेल सेवा का क्षेत्र हो, या आज हमारा हवाई सेवा का क्षेत्र हो, या महामारी के समय में गरीब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात हो, या इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, जो हर जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, मास्क, पीपीपी किट, पूरे हिंदुस्तान के और उत्तराखंड के अंदर हर अस्पतालों में अवस्थानवा सुविधाएं हुई हैं, सब गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देने का काम हुआ है, बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चली हैं और लोग इस काम को देख रहे हैं। हमने भी प्रयास किया, मुझे भी जो समय मिला उस समय में मैंने भी प्रयास किया कि मैं प्रदेश के लिए कुछ फैसले लूं, जनहित में फैसले लूं, मैंने लिए हैं। समय कम मिला, आप खुद इस बात को मान रहे हैं, संतुष्ट हैं आपके इतने कम समय में आप बेहतर कर पाए जो आपके मन में थी चीजें? देखिए, जो भी समय मुझे मिला मैंने उसमें एक एक पल और एक एक क्षण अपने प्रदेश के लिए लगाया है और आगे के लिए भी हमने विजन दिया है। सभी विभागों को हमने कहा है कि अगले 10 सालों का जो है एक रोड मैप तैयार करें, उसके आधार पर हम उत्तराखंड के दूर दराज इलाके, उत्तराखंड के गांव, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, हमारे ग्रामीण क्षेत्र सभी मजबूत हों, यहाँ का पलायन रुकना चाहिए, यहाँ पर रोजगार आना चाहिए, यहाँ का विकास तेजी से होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उस दिशा में बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि 2025 में जब हम राज्य की स्थापना दिवस मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। सर, लास्ट सवाल, वोटिंग को 1 महीना बचा है, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, खुद से भी जनता के बीच में जाना है, क्या कुछ आप लेकर चल रहे हैं, किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तरफ हमारे काम है, जो हमने काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किया है, और विपक्ष के पास केवल कारनामे हैं। तो जनता के सामने प्रश्न है कि वो विकास को चुनेंगे, काम को चुनेंगे या कारनामों को चुनेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता हमारी बहुत जागरूक है, वो जानती है कि किसको चुनना है, और मोदी जी के साथ उत्तराखंड चलेगा और भाजपा के साथ चलेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज से अपना चुनावी आगाज कर दिया है। साफ तौर पर अब आगे जनता को चुनना है कि वो सरकार के कामकाज को देखती है या विपक्ष के लगाए जा रहे तमाम आरोपों को सुनती है। कैमरामैन अनुप भट्ट के साथ अजीत कांबो, जनता टीवी, देहरादून।